أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي على في توحده ودنا في تفرده وجلى في سلطانه وعظم في أركانه مجيدا لم يزل محمودا لا يزال بار المسموكات داح المدعوات جبار الأرضين والسماوات سبحان قدوس رب الملائكة والروح والصلاة والسلام على سيد أسلم في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود وبالقائل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا سلسلہ آیات پر جو اس آئے واقعی ہدایہ سے مسلسل ہے اکیسویں تاریخ کو بشرط حیات انشاءاللہ گفتگو کریں گے جس آیت کو آج آپ کے سامنے پڑھا گیا یہ سلسلے کی آیت ہے اور وہی سلسلہ جس کو کل آپ سن رہے تھے کہ اذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا جب تم قرآن کو پڑھتے ہو تو تمہارے اور آخرت کو نہ ماننے والوں کے درمیان ہم ایک حجاب ڈال دیتے ہیں کہ وہ کچھ بھی سمجھ نہیں سکتے ہیں تمہارے مدعا کو تمہارے مقصد کو تمہارے تبلیغ کے مقامات کو وہ پہچان نہیں سکتے سلسلے میں ارشاد ہوا کہ یہ جو آخرت پہ ایمان نہیں لاتے ہیں
उस सिलसिले में कुछ आयते हैं। वो किसी निशानी पर भी ईमान नहीं लाते। हमने बहुत सी निशानियां बहुत से अंबिया के साथ भेजी, यहां तक कि हमने समूद को नाका अता किया, मगर इसके बावजूद उन्होंने जुल्म किया और हमने अपने अजाब को उनके लिए दर्दनाक बना दिया। इसके बाद ये आए थे, वह इज कुलना लका, और याद करो जब हमने तुमसे कहा था। इज कुलना लका इन्ना रब्बका अहाता बिन्नासे, के तुम्हारे रब ने इहाता कर रखा है पूरी इंसानियत का। तुम्हारा रब मुहित है इंसानियत पर, उनके उरूज व जवाल, उनके इकबाल व इदबार, उनके कल्ब के कैफियात, उनका सिर अलन, उनकी ख्वाब बेदारी, वो क्या छिपा रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ये सब कुछ हमसे पोशीदा नहीं। हम हर चीज को जानते हैं। इस कुल्ला लका इन्ना रब्बका अहाता बिन्नास, याद करो जब हमने तुमसे कहा था कि तुम्हारे रब ने इंसानियत पर इहाता किया है, नौ इंसानी को घेर लिया है। वह मा जअलना रुयल्लती अरैनाका इल्ला फितनतन लिन्नास, और हमने जो तुमको रोया दिखलाया, तुमने जो ख्वाब हमारे हुक्म से देखा, जिस ख्वाब को हमने दिखलाया, अरैना का रोया ख्वाब तुमने देखा दिखलाया हमने। वमा जअलना रुयल्लती अरैना का इल्ला फितनतन लिन्नास, एक इम्तिहान है, एक बला है इंसानियत के लिए। वशजरतल मलऊना फिल कुरान, और ये एक शजर मलऊना है कुरान में, एक शजर मलऊना है कुरान में जो रहमत से दूर है। नुकव्विफुहुम, हम उनको डरा रहे हैं, हम उनको डरा रहे हैं और उनको समझाना चाहते हैं, लेकिन सूरत हाल ये है कि वमा यजीदो इल्ला तुगयानन कबीरा, इजाफा वहीं हो रहा है जहां तुगयान कबीर है, जहां ऐसा मालूम होता है कि वो बड़ी सख्त सरकशी पर आमादा है। तुगयान सरकशी, तुगयान बगावत, वो बहुत बड़ी सरकशी पर आमादा है। ये आए वाफी हिदायत बनी इसराइल की इसलिए मुहिम है कि नाक़े समूद का तस्करा है। नाक़े समूद पर जुल्म का तस्करा है और उसके बाद यह गुफ्तगू है। पहले इस आयत के मुतालिक एक अजीब गरीब हकीकत है जो पेश नजर रहे, वो ये है कि इस आयत की जितनी तरकीबें हैं, जितनी तरकीबें हैं, यह कुरान मजीद में इनको फिर दोहराया नहीं गया। जितनी तरकीबें कुलना लका पूरे कुरान में कहीं नहीं है, ये इसी मकाम पे है, इसी मकाम पे है, सिवा एक जगह के कुरान में फिर कहीं नहीं है। वह इस कुल्ला लका, हमने तुझसे कहा था, यानी इसकी अहमियत देखते जाइए। इस कुल्ला लका ये पूरे कुरान में, और फिर इन्ना रब्बका अहाता बिन्नास, ये अहाता बिन्नास पूरे कुरान में नहीं है।
कि तेरे रब ने अहाता किया है इंसानियत पर, पूरे कुरान में। रुयल लती अरैनाक पूरे कुरान में नहीं है कि हमने तुझको जो ख्वाब दिखलाया, जो ख्वाब दिखलाया तुझे, ये पूरे कुरान में। और फिर उसके बाद शजरे मलगूना, ये एक ही मंजिल है जहां इस लफ्ज को आप पाइएगा, इसके अलावा पूरे कुरान में फिर इस लफ्ज को नहीं दोहराया गया। और उसके बाद आखिरी तकदीर तुगयानन कबीरा, ये इसी आयत में है, इसके अलावा तुगयान को कबीर के साथ किसी मकाम पर तरकीब देकर कुरान मजीद में इस्तेमाल नहीं किया गया। तो अब इससे पता चला कि या कमाल अता पर, या कमाल अता पर अल्फाज को दोहराया नहीं जाता, या कमाल गजब पर अल्फाज को दोहराया नहीं जाता। कमाल अता, कमाल अता वो छोटा सूरा जिसमें पांच लफ्ज और पांच लफ्जों को फिर पूरे कुरान में नहीं दोहराया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैना कल कौसर, पूरे कुरान में फिर आतैना नहीं है, पूरे कुरान में आतैना नहीं है, पूरे कुरान में कौसर नहीं है। आइन तो ये नून अलिफ हमने तुझको अता किया, आतैना का पूरे कुरान में दोबारा नहीं है, फिर उसी तरह से कौसर दोबारा नहीं है, इन्ना आतैना कल कौसर। और फिर उसके बाद ये तरकीब वन हर, ये कुरान में नहीं है, ये तीसरा लफ्ज। अब इसके बाद तीसरी आयत के दो लफ्ज, वो दो लफ्ज भी पूरे कुरान में नहीं है, इन्ना शाने अका हुआ लफ्तर, शाने अका को फिर नहीं दोहराया, अफ्तर को फिर नहीं दोहराया। तेरा दुश्मन दुम बुरीदा है, तेरा दुश्मन दुम बुरीदा है। तो आपने देखा सूरह कौसर की तीन आयतों की पांच के पांच अहम लफ्ज, पांच अहम तरकीबें, उनको कुरान ने फिर नहीं दोहराया। अता का जिक्र बहुत आया, बहुत आया, मगर आतैना का कहीं नहीं है। अता की बातें बहुत सी हुई लेकिन कौसर को फिर न दोहराया, इसलिए कि मोती सखी है, मोती गनी है, दे के तस्करा नहीं करता, एक मरतबा देता है तो बार बार तस्करा नहीं करता कि हमने कौसर दिया कौसर दिया, क्यों तस्करा करे, वो गनी है। और फिर उसी तरह मकाम इताब में एक मरतबा फैसला कर दिया कि तेरा दुश्मन दुम बुरीदा है, तो फिर न दुश्मन के तस्करे की जरूरत है, न उसके अबतर होने को दोबारा दोहराने की जरूरत है, फैसला हो गया। वो हजार रबों का तेरे रब ने फैसला कर दिया। तो बिल्कुल इसी तरह या अता में, या कमाल अता में, या कमाल इताब में ये खास बलागत कुरान है कि फिर लफ्जों को दोहराया नहीं जाता। इसके लिए बड़े गहरे मुताले की जरूरत होती है कुरान मजीद के, और शुरू से आखिर तक देखना पड़ता है कि किस मकाम पर फिर ये लफ्जें आई हैं। चुनाचे अब हम वापस जाएं आयत पर, कुलना लका नहीं है, और अहाता बिन्नासे नहीं है, अहाता किया। बिल्कुल उसी तरह रुयल्लती अरैना का, जो ख्वाब हमने तुझको दिखलाया वो कहीं तस्करे में नहीं है। और फिर उसके बाद शजरतल मलऊना और तुगयान कबीर, ये कुरान में किसी और मकाम पे नहीं। शजरा है जिस पे अब हम बहस करेंगे, जाहिर है कि महल बहस वही है, और आज भी कल और परसों तीनों दिन के लिए ये बड़ा अहम मौजू है। मैं शायद खत्म ना कर सकूंगा अपने मुख्तसर से वक्त में, और ये तीन घंटों का वक्त है मेरे पास, मैं शायद इस आयत को खत्म ना कर सकूंगा। बहरहाल आइए एक और अहम अमर जिसकी तरफ आपकी तवज्जो जरूरी है,
मा जालनर रोयल्लती अरे ना का, जो ख्वाब हमने तुमको दिखलाया। खुदा जिस ख्वाब को दिखलाए, अब उसकी ताबीर क्या है? भाई आप ख्वाब देखें तो ताबीर ढूंढें। वहां जो ख्वाब है रुया सादिका है ना, जो ख्वाब देखा सच्चा देखा। किसी को ख्वाब में रहमत वाला पाया तो रहमत वाला, किसी को ख्वाब में लानत वाला पाया तो लानत वाला। देखें तो ऐसी मंजिल पर नबी का ख्वाब है। और फिर इरशाद होता है अरैन ना का, यानी इस तहदीद को देखे, हमने दिखलाया, हमने दिखलाया, हमने दिखलाया ये ख्वाब। रोया नबी, रोया सादिका। हज़रत यूसुफ ने भी यह ख्वाब देखा था, हज़रत यूसुफ ने भी यह ख्वाब देखा। और भी पैगंबरों के तारीख कसस में वाकयात में तस्करा है कि कहां कहां किस किस ने ख्वाब देखा। मगर पैगंबर के इस ख्वाब पर जो मुफस्सरीन की हैरानी है और जो मुफस्सरीन ने करवटें बदली हैं, वो देखने के खाते, यानी ऐसा मालूम होता है कि मुफस्सरीन के तलवों से लगी थी। और आलम यह है कि हर एक अपनी गुलू खलासी की कोशिश कर रहा है कि कैसे बच के निकले आए थे। पहली तौजी ये कि ख्वाब देखा था, और यही ख्वाब देखा था जिसको मेराज कहते हैं, यानी सूरह बनी इसराइल से आवाज है सुभान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम। और ये अहमदी मुफस्सिर का फैसला है कि वो मेराज ख्वाब के आलम में हुई और रसूल ने ये सब कुछ जो देखा ख्वाब में देखा, और ये वही ख्वाब। और इसके बाद शजरे मलऊना पे आए तो कहा वो जहन्नम में एक दरख्त है जिसको शजरे जकूम कहते हैं, उसको नबी ने देखा था। नहीं, आप देखें कि पूरे मेराज का खुलासा, ख्वाब देखा तो ख्वाब में न आसमानों का तस्करा है, न अंबिया का तस्करा है, न इब्राहिम खलील का तस्करा है, न अंबिया उलुल अज़्म का तस्करा है, न मलाइका से गुफ्तगु है, न 50 रकअत न वक्त की नमाजों को 5 वक्त तक कम करने का तस्करा है, कोई तस्करा नहीं है बजुज इसके कि वो शजरे ज़खून को देखा था। और उसके बाद अब वहां से का ये एक आयत है, ये एक आयत है जो मौजूदा नहीं है, मगर फकत इसलिए कि काफिर डरें कि पैगंबर ने देखा है, पैगंबर ने देखा है एक शजर को, और जो इंतहाई तकलीफ दे होगा, इंतहाई परेशान कुन होगा, और उसी से गिजा दी जाएगी। बहरहाल ये एक तौजीह मुसलसल हमने देखी। तो ख्वाजा अब्दुल्ला है अंसारी के सारे कलेमात का खुलासा यही है, मौलाना मोहम्मद अली की तफसीर में यही है, और जाहिर है कि तफासिर आम माह में तकरीबन यही है कि ये ख्वाब मेराज। अब इसके बाद एक और सोच, वो ये कि ख्वाब देखा पैगंबर ने, ख्वाब देखा पैगंबर ने मेराज के बाद देखा, मेराज के बाद देखा, और ये देखा कि दुश्मनान दीन और दुश्मनान इस्लाम पैगंबर को परेशान कर रहे हैं, अजियत पहुंचा रहे हैं। तो ये इरशाद फरमाया गया कि ये लोग रहमत से दूर हैं और हम इनको डरा रहे हैं, और ये ईमान नहीं लाएंगे, और ये तोयाने कबीर तक जाएंगे। अब इसके बाद जो तौजीह इब्न अब्बास ने की, जो तफसीर अम्मार यासिर ने की, जो तफसील अबू जर से मिली, जो तावील अइम्मा से मिली, और जिसके मुताल्लुक
मुस्तकिल एक रिवायत मौजूद कि ख्वाब में पैगंबर इस्लाम ने मेराज के बहुत बाद ये देखा कि उनके मिंबर पर मुसलसल कुछ लोग चढ़ रहे हैं और उतर रहे हैं। ये ख्वाब देखा और अफसुरदा हुए, इसलिए कि मैंने एहतियात की ये कहने के लिए कि किनको देखा मिंबर पे चढ़ते उतरते हुए, इसलिए कि पैगंबर ने वह तस्करा इंसानों का नहीं किया है, क्या मैंने एक जिन्स को देखा कि वो मिंबर पर चढ़ती और उतरती है। तो पैगंबर अफसुरदा हो गए। मैं आपको याद है कल की तकरीर में मिंबर का तस्करा कर रहा था कि मिंबर पे कौन कहां बैठता था। अमीर मोमिनीन के लिए भी मैंने बतलाया आपको कि अमीर मोमिनीन से जब ये कहा गया कि आप वहां कैसे बैठ गए, तो अमीर मोमिनीन ने कहा मैं किसी और का जानशीन होता तो उसकी जगह पे बैठता, मैं तो नबी का जानशीन हूं इसलिए मैं नबी की जगह पे बैठा हूं। ये इसलिए मैंने अर्ज किया था कि आपको मिंबर की पूरी तारीख याद हो। इस मिंबर के लिए बड़ी बड़ी कोशिशें हुई कि किसी सूरत मदीने से इसको शाम लेके चले जाए, मदीने से शाम लेके जाए। चुनाचे मरवान इब्ने हकम को खास तौर पे यह काम अमीर शाम की तरफ से मिले थे कि मदीने रसूल से मिंबर रसूल को किसी सूरत शाम भेज दो ताकि तबर्रुक के तौर पर भी रहे और फिर यहां जो भी दारुल खिलाफा है अमीर हो और सदर हुकूमत हो वो उसी मिंबर पर बैठा करे ताकि दुनिया को मालूम हो कि रसूल के मिंबर पे है, रसूल के मेंबर पे है। यानी अब दुनिया को जिद यह थी कि यह मेंबर हमारे पास आए, मगर अजीब इत्तेफाक यह है कि सारी कोशिशों के बावजूद उस मेंबर को अपनी जगह से हटाया न जा सका। यहां तक कि जब मुस्तकिल तौर पर बाद में बादशाहों ने चाहा कि अब इसको हमेशा के लिए खत्म ही कर दें, तो आपको यह तारीख का अजीब वाकया भी याद रखना चाहिए कि 354 हिजरी में एकाएक मस्जिद में आग लगी और यह मिंबर जल गया। 354 हिजरी में मिंबर रसूल मदीने में जल गया, जलाया किसी ने नहीं है, आग लगी और जल गई। यानी इसके बाद फिर किसी ने मिंबर को नहीं देखा। अब 354 का सन मेरे लिए कोई खास जिक्र के काबिल नहीं कि उसकी तफसील दूं, मगर एक बात याद रखिए कि यह वो इब्तदाई जमाना है गैबत कुबरा का, इब्तदाई जमाना है गैबत कुबरा का कि अब साहेब मिंबर नहीं है इसलिए मिंबर की भी जरूरत नहीं है। अब साहेब मिंबर नहीं है इसलिए मिंबर की भी जरूरत नहीं है। तो उस मिंबर पर रसूल ने यह देखा, मिंबर रसूल से बड़ी नजदीकी रखता है और रसूल मिंबर से बड़े मुतअल्लिक रहे हैं। यानी रसूल ऐसा समझते थे कि अल्लाह के सारे पैगाम मैंने इसी मिंबर से सुनाए हैं इसलिए इसकी हिफाजत लाजिम, और ख्वाब में ये देखा कि उस पर मुसलसल कोई चढ़ रहा है उतर रहा है। तो इरशाद फरमाया कि हमने तुमको दिखलाया वो ख्वाब, मा जअलना रुयल्लती अरैना का, हमने तुमको दिखलाया, तुमने इस ख्वाब का ऐलान कर दिया। इंसानों के लिए महल इम्तिहान है कि अब अगर कोई पैगंबर के ख्वाब की तस्दीक कर दे अपने अमल से, अब कोई पैगंबर के ख्वाब की तस्दीक कर दे अपने अमल से, तो जाहिर है कि आयत का मफाद और आयत का की मुराद वहीं मुकम्मल हो, जो आयत का मफाद है वहीं मुकम्मल हो। तो अब फिर वापस आए, मा जअलना रुयल्लती अरैना का, हमने जो ख्वाब तुझको दिखलाया, जो ख्वाब तुझको दिखलाया। अव्वल तो ये कि नबी के लिए ख्वाब और बेदारी एक है, नबी के लिए ख्वाब और बेदारी एक है। इसके लिए जगाना ने अजीब मतलब कहा था
जिन्हें ज़ौक़े हुज़ूरी ख्वाब और बेदारी में हासिल था, जिन्हें ज़ौक़े हुज़ूरी ख्वाब और बेदारी में हासिल था, खुदावंदा वो आंखें कौन सी थीं, कौन सा दिल था। जिन्हें ज़ौक़े हुज़ूरी ख्वाब और बेदारी में हासिल था, खुदावंदा वो आंखें कौन सी थीं, कौन सा दिल था। तमाशा गाह हैरत में कहां का तू कहां का मैं, यही कुछ था कि आईने से आईना मुकाबिल था। तो आईने के मुकाबिल में आईना आया और वो जो तजल्ली वहां हुई, उस तजल्ली को नबी ने कबूल किया, पर्दा रखा ख्वाब का, पर्दा रखा ख्वाब का कि जिनके अमल में ताबीर फिना है वो होशियार हो जाएं, वो होशियार हो जाएं। और ये ना समझे कि पैगंबर ने अपने जाती ताल्लुकात की बिना पर यह ख्वाब देखा है, या जिनसे नाराज हैं जिनसे खुश नहीं हैं उनके मुताल्लिक ख्वाब देखा है, ऐसा कोई न समझे। तो हमने जो ख्वाब तुझको दिखलाया वो एक तजल्ली थी, वो एक जलवा था, वो एक इशआ की कैफियत थी, रेडिएशन की, जो मबदे फैज से अता हो रही थी आईने कबूल को, और कबूल कर रहा था आईने कल्ब पैगंबर उस तजल्ली को कि देखो ये हाल होने वाला है। और उसके साथ एक मर्तबा कहा कि ये जो तुमको हमने ख्वाब दिखलाया तुम जानते हो, तुम जानते हो, तुमने देखा ख्वाब, मगर ये मुसलसल जिनको आते जाते देखा है ये एक शजर है, ये एक सिलसिला है, शजर सिलसिला। शजर के माना ये कि ये तुकम है, ये जड़ें हैं, ये शाखें हैं, ये फिर पतली पतली टहनियां हैं, ये उसके पत्ते हैं, और अगर कोई फल आए तो ये है, यानी यहां से लेके वहां तक एक सिलसिला है। इसी को इसलिए शजर कहते हैं, और किसी के नसब नामे को भी शजरा कहते हैं, किसी के नसब नामे को भी शजरा कहते हैं। एक दूसरे से पूछता आपस है शजरा, यानी खानदान का दरख्त, खानदान का दरख्त। अजीब बात यह है कि कुरान मजीद में इस शजरा के साथ और दो लफ्ज इस्तेमाल हुए, उसके साथ मुरक्कब किया गया शजरा। एक मंजिल पर कहा गया अलम तरा कैफा ज़रबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यबतन का शजरतिन तय्यबतन असलुहा साबितुन व फरुहा फिस्समा। कलमा तैयबा की मिसाल उस मुबारक शजर की सी है जिसकी जड़ें मजबूत हों और डालियां आसमान पर हों, यानी पाक शजर, शजर है तैयबा, शजर है तैयबा। अब अगर कोई है आपकी निगाहों में ऐसा दरख्त कि जिसकी जड़ें जमीन में हों डालियां आसमान में हों, तो उसकी तफसील में लिख दीजिए कि ये उस शजर से मुराद है, ये जैतून है, ये अंजीर है, ये खुरमा है, जो भी। इस वास्ते के एक शजर के माना करते करते तो मुफस्सरीन थक गए कि ला तकरबा हाज़िही शजरा, इस दरख्त के करीब न जाना। तो गेहूं भी कहा, जो कुछ भी कहा, बहरहाल अब वक्त नहीं है, सब कुछ कहा गया। तो अब शजर तैयबा के सिलसिले में है कोई जहन में ऐसा दरख्त कि जिसकी ये तारीफ की गई हो कि जिसकी जड़ें जमीन में हों डालियां आसमान में हों? नहीं, और एक तारीफ, तूती उकलहा कुल्लहीन, हर जमाने में फल देता है।
हर जमाने में फल देता है। ये एक शजर है तैयबा। दूसरे मकाम पर एक और तरकीब है और वो अजीब है, लाहु नूरु समावाती वला मसल नूर ही का मिश्का तिन फीहा मिसबाह अल मिसबाह फी जुजाजा अल जुजाजा तू का नहा कौ का बुंदु गुन यू कदू मिन शजरतिन मुबारकतिन जैतूनतिन ला शर्कियतिन वला गर्बिया। ये एक शजर मुबारक जैतून की किसी डाली पर एक मिश्कात है और उसमें एक मिसबाह है और उसमें एक चराग रोशन है और अल्लाह के नूर की वो मिसाल है। मसल नूर ही का मिश्कातिल फीहा मिसबाह अल मिसबाह फी जुजाजा जुजाजा तू का नहा कौ कब हम दुर्रियुन यू कदू मिन शजरतिन मुबारकतिन जैतूनतिन ला शर्कियतिन वला गर्बिया। शजर को मुबारका कहा और एक तारीफ की। अब इसको देखिए, वहां ये कहा था कि असलुहा साबितुन व फरुहा फिस समा, यहां शजर की तारीफ की ला शर्कियतुन वला गर्बिया, न शर्की है न गर्बी है। अब किसी दरख्त को बतलाइए जिसमें सिमत ना हो, जिसमें समत ना हो, कोई दरख्त है ऐसा कि जो शर्की ना हो गर्बी ना हो? तो फौरन ये कहा जाएगा कि ये मुतशाबिहात हैं, मुतशाबिहात है। तो मुतशाबिहात को मुहकम करने की कोशिश कीजिए, मुतशाबे को मुहकम तक लाइए ताकि मसला साफ हो जाए, हल हो जाए। इस वास्ते कि कायनात में सबसे ज्यादा, देखिए चंद जुमले और रह गए, कायनात में सबसे ज्यादा अहम यह दरख्त नहीं है, ये कुरमा जैतून तीन, ये कायनात में सबसे ज्यादा मुकद्दस नहीं है। कायनात में सबसे ज्यादा मुकद्दस, सबसे ज्यादा गिरामी, सबसे ज्यादा मुहिम, सबसे ज्यादा काबिले जिक्र एक ही हस्ती है और वो हस्ती है अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा। एक ही हस्ती है, न उसकी मिसाल कोई हजर से दी जा सकती है, न शजर से दी जा सकती है, न उसकी मिसाल में समावात और अर्श को पेश किया जा सकता है, कोई गुफ्तगू नहीं हो सकती। वो अपनी जगह आप अदीमुल मिसाल है। इसीलिए कहा गया कि कमाल तकवीन मोहम्मद है, कमाल तशरीह कुरान है। दायरे तकवीन की इंतहा मीम है, मीम दाल। दायरे तशरीह की इंतहा कुरान। तुम ऐसी मंजिल पर खत्मी मर्तबत की बारगाह में चल के देखो कि अब इतनी मुहिम और अहम मस्ती के लिए मासूम का इरशाद क्या है, ताकि शजर समझ में आए। मासूम कौन? जो नफ्स नबी है, वो तारीफ कर रहा है पैगंबर की, वो तारीफ कर रहा है पैगंबर की। और तारीफ ये है कि इरशाद फरमाया कि शजरतुहु खैरु शजर, नबी का शजर बेहतरीन है शजर। उसरतुहु खैरुल उसर, उसका घराना बेहतरीन घराना। इतरतुहु खैरुल इतर, उसकी इतरत बेहतरीन है। तो शजरतुहु खैरुल शजर, नबतत फी हरमिन व बसकत फी करम, लहा फुरून तिवाल व समरत ला तुनाल। दरख्त नबी का दरख्त है कि जो हरम में लगा, हरम में लगा और करम इलाही के साए में परवान नपतत फी हरमिन वो बसकत फी करम, लहा फुरून तिवाल, उसकी डालियां जमाने को घेर लेती हैं, इतनी तवील है। वो समरतुन लातुनाल, उस दरख्त को जो फल लगता है वहां तक किसी का हाथ जा नहीं सकता।
देखिए कितनी अजीब तारीफ है जी, तारीफ है अंबिया की तारीफ करते हुए घराना, चूंकि वही है शजर वही है, इसलिए ये बेहतर जानते हैं अपने शजर को, ये अपने शजर को बेहतर जानते हैं। फरमाते पूरे अंबिया का तस्करा करते हुए, तनाव सख्त हम कराओ मुलासलाब इला मुतहरा इलाम करीम सुलबों ने इनको ताहिर रहमों में पहुंचाया, तनाव सका तुम कराओ मुल असलाब इला मुतहरा तिलरहाम कुल्लमा मजा मिनहुम सलफ कौम मिनहुम लदीन इल्लाह खलफ। जाने वाला जब कभी गया तो आने वाले ने दीन इलाही की हिफाजत का बेड़ा उठाया। हत्ता बासल्लाहु सुबहानहु नबीयहु मुहम्मद। انجاز عدته والاتمام نبوته ماخوذا على النبيين ميثاقه كريما ميلاده انبیاء سے اسی کا میثاق لیا گیا، اس کی ولادت کو پاک و پاکیزہ کیا گیا۔ شجرته خير الشجر نبتت في حرم وبثقت في كرم اسرته خير الاسر اسرته خير الاطار۔ یہ وہ خطبہ ہے جس میں آپ نے بتلایا ہے کہ یہ شجر کیسے तय्यब है, यह शजर कैसे ताहिर है, यह शजर कैसे मुबारक है। अब इस शजर की जिद पर कोई शजर लगाए तो जाहिर है कि न उसकी बुनियाद होगी, न वो बुलंदियों पे जाएगा, न वो साहिब समर होगा, इसलिए कि कौसर में कह दिया इन्ना शाने अका हुआ लबतर। देखिए शजर को कौसर ने समझाया कि हर तरफ फैला हुआ है, हर तरफ जाए तो आपने क्या क्या देखा। शजर को देखा कि शजर तैयबा कहा कुरान में, शजर को शजर मुबारका कहा। अब एक और भी लफ्ज सुन लीजिए कि कुरान मजीद ने शजर को कैसे इस्तेमाल किया। कहा वो तो कलमा तैयबा की मिसाल है, अलम तरह कई बार जरब अल्लाह मसलन कलिमतन तैयबतन का शजरतिन तैयबतिन असलुहा साबितुन फरुहा फी समा। कलिमा तैयबा की मिसाल ये है कि वो शजर तैयबा है, जमीन में उसकी जड़ें हैं, आसमान तक उसकी डालियां हैं। वो मसलो कलिमतिन खबीसतिन, और खबीस कलिमे की मिसाल क्या है, का शजरतिन खबीसतिन। अब यह तीसरी मंजिल شجرتن قبیستنی تصق من فوق الارض ما لها من قرار سورہ ابراہیم۔ کہ یہ شجر قبیسہ کلمہ قبیسہ کی مثال ہے کہ جس کی جڑیں زمین سے ہٹ چکی ہیں، جس درخت کی جڑیں زمین سے ہٹ جائے اس کا انجام کیا ہوگا، ما لها من قرار۔ اب اس درخت کو قرار ہی نہیں ہے، کبھی یہاں ہے کبھی وہاں ہے۔ ما لها من قرار، इसको करार ही नहीं है। तो अब एक शजर के लिए दो नाम, एक शजर के लिए दो नाम। ये पूरी तनकीह आपके जहन में रहे। एक शजर को कहा तैयबा, उसी शजर को कहा मुबारका। एक शजर को कहा खबीसा, उसी शजर को कहा मलऊना। देखा आपने, तो अब पता चला जो मुबारक है वो तैयब है, जो मुबारक है वो तैयब है, जो तैयब है वो मुबारक है, जो खबीस है वो मलऊन है, जो मलऊन है वो खबीस है। अब अगर पहले शजर से किसी का नसब नामा है, अगर नबी का नसब नामा शजर तैयबा में है, तो नबी की मुखालिफत में जो नबी के सामने आए, जो आए नबी के सामने, जो नबी के सामने आए, बदर में आए, ओहद में आए, खैबर में आए, खंडक में आए, हुनैन में आए, जो नबी से लड़ने के लिए आए, जो नबी के मुकाबले में आए, अल्लज़ीन युज़ून अल्लाह व रसूलहु, वो लोग जो अल्लाह और उसके रसूल को अज़ियत देते हैं, ये सूरह अहज़ाब की आयत है। जाहिर है जो अज़ियत से आमादा हो जाए,
जो अजियत सूरह अहज़ाब मदनी है, मदनी है यानी आखिरी सूरों में से है, यानी तकरीबन 20 बरस हो चुके हैं मबूस होकर, 2 साल या 3 साल और बाकी है रहलत के लिए। आखिरी सूरों में है अहज़ाब, जंग खंदक, और उसमें आए दुरूद है और उसके साथ आए अजियत है। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लून अलन नबी या अय्युहल्लज़ीन आमनु सल्लू अलैहि व सल्लमू तस्लीमा। ये आए दुरूद है, उसके साथ ही इन्नल्लज़ीन युज़ून अल्लाह व रसूलहु, वो लोग जो अल्लाह और उसके रसूल को अजियत देते हैं, तो वो उनके लिए क्या होगा? लानहुमुल्लाह। देखा आप, यानी लानत का तसव्वुर, लानत का तसव्वुर ये है कि या अल्लाह के मुकाबले में कोई आए या रसूल के मुकाबले में, या रसूल को अजियत दे या अल्लाह को अजियत। आए अजियत को पढ़िए और लानत मौजूद है, ताकि पता चले कि शजरे मलऊना से मुराद क्या है। अब गुफ्तगू यहां तक पहुंची तो ये आखिरी जुमले हैं। एक खत अमीर शाम का मौलाए कायनात के पास आया सिफीन की लड़ाई के दौरान, और उस खत के अल्फाज ये हैं। ये 16वां खत नहीं है बल्कि 17वां खत है, इसके बाद का 18वां खत इसी सिलसिले का है। वो अम्मा औलों का बनू अब्द मनाफ, और ये तेरा कहना हो कि हम अब्द मनाफ की औलाद, वह कजालिका नहनू, और हम भी हैं, और हम भी हैं। वल्लाकिन लैसा उमैया का हाशिम, लेकिन उमैया और हाशिम एक नहीं है। वो लैसल हर्ब का अब्दुल मुत्तलिब, और हर अब्दुल मुत्तलिब के बराबर नहीं है। वो लैस अबू सुफियान का अबी तालिब, और अबू सुफियान अबू तालिब के बराबर नहीं है। अब इसके बाद सिलसिला ला रहे हैं दोनों शजरों का। दो शजरों का सिलसिला आगे बढ़ रहा है, अब अबू तालिब तक पहुंच गए। अबू तालिब और अबू सुफियान एक नहीं है। अब इसके बाद बतलाना चाहते हैं कि आगे बढ़ना है, तो अब नाम नहीं लेते बल्कि कहते हैं कि लैसल मुहाजिर का तलीक, और हिजरत करने वाला और आजाद शुदा गुलाम एक नहीं है। हाजिर का तलीक, गुफ्तगु खत्म नहीं हुई, मैं आगे बढ़ रहा हूं। एक ही जुमला, लैसा सरी हो कल लसीक, और कोई पाक दामन उसके बराबर नहीं हो सकता जिसका दामन आलूदा हो। सरी के लोगों ने माना देख डालिए तो फकत पाक दामन नहीं है, सरी के माना यह जिसका नसब पाक हो। आपने देखा कि वाजह कर दिया, वाजह कर दिया कि पैगंबर ने ख्वाब क्या देखा था, पैगंबर ने ख्वाब क्या देखा था, और मकसूद पैगंबर का क्या था कि इन्हीं के हाथों नुकसान पहुंचेगा दीन को भी, आइन को भी, मिल्लत को भी, पैगंबर के मकसद को भी। और फिर यही हुआ, यही वह आयत पहले थी कि हमने निशानी को भेजा समूद के लिए, नाका और जुल्म किया, जुल्म किया। नाका समूद का हाल तो आप सबको मालूम है, मगर अमीर मोमिनीन से किसी ने पूछा था कि मौला पै कुनिंदा नाका साले तो एक है, पै कुनिंदा नाका साले तो एक है, अजाब पूरी उम्मत पे क्यों आया, अजाब पूरी उम्मत पे क्यों आया।
वो सूरह आपको याद है, वशम से वजो हा वल कमर इजा तला वल नहार इजा जल्ला वल लैल इजा यख्शा व समाई व बना ममा बना वल अर्द मा तहा व नफ्स ममा सवाहा, और उसके बाद अलहमहा फुजूरहा व तक्वाहा क़द अफ़लहा मन ज़क्काहा व क़द ख़ाबा मन दस्साहा कज़्ज़बत समूदू पे तग़वाहा। समूद ने बगावत के बाद नबी को झुटलाया, इज़िन बासा अशकाहा, जबकि अपने शकी तरीन को भेजा, एक को भेजा, فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها, तो उनके रसूल ने कहा कि देखो ये नाका है, अल्लाह की निशानी है, इसको पानी पी लेने दो। तो उनके रसूल ने कहा कि देखो ये नाका है, अल्लाह की निशानी है, इसको पानी पी लेने दो। भेजा एक को, अब आयत यह फकज़्ज़बूहु, सबों ने मिलकर झुटलाया, फअक़रूहा, सबों ने मिलकर नाके को फेंक डाला, فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها, और अज़ाब इलाही आ गया, पूरी कौम तबाह हो गई। अमीरुल मोमिनीन दर्ज किया कि फरज़ंदे मौला कायनात, क्या बात है कि एक ने पाए किया और पूरी कौम पे अज़ाब है। इरशाद फरमाया इज़ा अम्मूहु बिर्रिज़ा, ये दो जुमलों को, अम्मूहु बिर्रिज़ा अम्महुमुल्लाह बिल अज़ाब, जबकि उमूमियत राजी हो गई तो उमूमियत पे अज़ाब आया। वो भेजा एक को, कौम राजी थी, जाओ तो पै कुनिंदे नाके सालेह की मिसाल, मिसाल शायद तारीख में तीन मंजिलों पर फिर मिली। एक दौर मुतवक्किल, जब इमाम अली नकी को तमाम दिन मुतवक्किल ने सुरमन राम अपने तख्त के सामने दौड़ाया और आप बे इंतहा अफसुरदा थे, बे इंतहा ज़हमत दीदा थे, तो फतह इब्ने काकान वजीर मुतवक्किल ने कदमों पर सर रख दिया। फरज़ंदे रसूल आज बड़ी रहमत हुई, इरशाद फरमाया फतह इब्ने काकान पै कुनिंदे नाक़े सालेह को दुनिया में तीन दिन की इजाजत मिली थी, अल्लाह के पास मेरा दर्जा पै कुनिंदे नाक़े सालेह की उस कोशिश में कि जहां वो नाक़े सालेह को कत्ल करे पै करे, तो अल्लाह के पास मेरा कातिल पै कुनिंदे नाक़े सालेह है और मैं नाक़े सालेह से अल्लाह के पास अफजल हूं। ये इमाम अली नक़ी करबला के मैदान में जब अली असगर को तीर लगा तो हुसैन इब्ने अली ने हाथों को ऊपर रख के कहा खुदावंदा ये बच्चा मेरा नाक़े सालेह से कम। तीसरे पै कुनिंदे नाक़े सालेह की मिसाल दी इब्ने मुलजिम को, आज 19वीं की रात 18 रमजान को आपने खत्म किया, 19 की शब आई और ये पैगंबर खुदा का इरशाद है कि या अली तेरा कातिल बदतरीन पै कुनिंदे नाक़े सालेह होगा, बदतरीन पै कुनिंदे नाक़े सालेह होगा। मैं कोई दो तीन दिन पहले अर्ज कर चुका हूं कि अली अगर कत्ल कर दिए जाते लैलतुल हरीर में, खंदक की लड़ाई में, खैबर में, जाहिर है पैगंबर जिंदा थे, अगर पैगंबर की जिंदगी में कत्ल कर दिए जाते तो पैगंबर खुद ऐलान करते शहादत का, और अगर बाद में कत्ल होते तो जाहिर है खलीफतुल मुस्लिमीन थे, अमीरुल मोमिनीन थे, दुनिया फिर भी लिहाज रखती। मगर अमीरुल मोमिनीन की इनफरादियत देखिए, इंडिविजुअलिटी देखिए, अली का आना देखिए, अली क्या चाहते हैं, अली क्या चाहते हैं। इकबाल के मर्द मोमिन का एक अजीब गरीब तसव्वुर है, इकबाल के मर्द मोमिन
में इकबाल ने वादे किया कि मैं जिसको मोमिन समझता हूं वो माल गनीमत मांगने वाला मोमिन नहीं है, वो फुतूहात पर ध्यान देने वाला मोमिन नहीं है कि जाके वो फतह कर लो, ये फतह कर लो, ये फौज भेज दो, कुछ नहीं। इकबाल कहते मेरा मोमिन कुछ और है, और वो मोमिन ये है, शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, न माल गनीमत न किश्वर कुशाई, न माल गनीमत न किश्वर कुशाई, शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन। तो अमीनुल मोमिनीन ने मालिक के अस्तर को एक खत लिखा, उसके आखिर में लिखते हैं कि मालिक अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह तुझको और मुझे दोनों को शहादत का दर्जा दे। अस्अलुल्लाह लका वली अश्शहादा, तेरे लिए और मेरे लिए मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि शहादत नसीब हो। तालिब शहादत है, किश्वर कुशाई नहीं है। और बार बार ये कहते हैं कि बद्र में उबैदा गए, उहद में हमजा गए, मौता में जाफर तैयार गए, अली कब तक जियोगे, अली कब तक जियोगे। बार बार कहते हैं मालिक अली ने जिरह भी उतार दिया, अली ने जिरह भी उतार दिया, मौत खुद मुहाफिज है। और कभी कभी ऐसा होता है कि कभी रास्ते से गुजरते हुए अलबत्ता अब्दुल रहमान इब्ने मुल्जिम को देख लेते हैं और कहते हैं इब्ने मुल्जिम मेरे बच्चों को यतीम न कर, मेरे बच्चों को यतीम न कर। उसने तलवार सामने रख दी का मौला तलवार हाजिर, मैं आपका गुलाम हूं, मैं यमन से आया हुआ हूं, खिदमत करने के लिए आया हूं, मैं आपका शहदा हूं, आप मुझे कत्ल कर दीजिए। इरशाद तो मैं नहीं अब्दुल रहमान, कबले वकूए वाकया हम सजा नहीं देते, मगर होशियार हो जा, होशियार हो जा, इसलिए तो उरी तो हयात तो हूं व यूरी तो कत्ल, मैं तेरी जिंदगी चाहता हूं, तू मेरी मौत चाहता है, मुनासिब नहीं है। आज शाम हुई अमीरुल मोमिनीन इफ्तार के लिए उम्मे कुलसूम के घर आए, हजरत उम्मे कुलसूम ने एक जाम शीर रखा, कुछ नमक रखा, जौ की रोटियां रखी। अली ने बेख्तियार कहा बेटी कभी तुमने देखा है कि मेरे दस्तरखान पर वक्त वाहिद में दो चीजें जमा होती हैं कि दूध भी हो और नमक भी हो। तो बेटी ने नमक उठाना चाहा, हाथ को थाम के कहा नहीं बेटी दूध उठा। नमक से इफ्तार किया, जौ की रोटी के टुकड़े खाए, आज शब-ए-क़द्र थी और है, अली इबादत में मसरूफ हुए, इबादत में मसरूफ हुए। और बार बार कहते थे कि आज मुझे इंतहाए इखलास के साथ और इंतहाए खुलूस के साथ अपने वादे को पूरा करना है। और तन्हाई में कहते जाते थे ऐ अली आमादा हो, ऐ अली तैयार हो जा। इन अल्फाज को कभी कभी बेटी भी सुन रही थी, थोड़ी थोड़ी देर के बाद बाहर आते आसमान के तारों को देखते और फिर वापस जाते। एक मतलब उम्मे कुलसूम ने कहा बाबा क्या बात है कि आज आप कुछ बेचैन हैं। इरशाद फरमाया उम्मे कुलसूम अली को कल उसकी बारगाह में जाना है जिसकी बारगाह में जाते हुए अंबियाए उलुल अज़्म डरते घबराते। उस वक्त वापस आए, नमाज शब का आगाज हुआ, नमाज शब को खत्म किया तो रास्ते में ऐसा मालूम हुआ कि बहुत से लोग
हथियार से मुसल्ला बातें कर रहे हैं, उनके हथियारों की झनकार की आवाज आ रही है। बेख्तियार बाहर निकल गए। कहा तुम कौन हो? कहा मौला हम आपके गुलाम। कहा पर सरदार कौन है? सरदार ने आगे बढ़ के सलाम किया। कहा मैं हूं मौला, मैं हूं हुज़ैफ़ा यमानी हूं। क्या है हुज़ैफ़ा, क्या बात? तो मौला कुछ दिनों से मुसलसल आप अपनी शहादत के मुताल्लिक गुफ्तगू कर रहे हैं। कुछ दिनों से मुसलसल आप ये कह रहे हैं कि इस माह मुबारक में अली की तारीफ खून का तजाब हो। मौला हमारे लिए बड़ी बेइज्जती की बात है, बड़ी जिल्लत की बात है, बड़ी तौहीन की बात है कि हम जिंदा रहे और आप कत्ल कर दिए जाए। इसलिए हमने ये तय किया है कि आप रोजाना आपके घर का एक मर्तबा हिफाजत के एतबार से और इस तरह से कि कोई गजंद आपको न पहुंचे उस आपके घर को घेरा जाए, आपको हिफाजत में रखा जाए और हम निगरानी करें। इरशाद तो मैं हुज़ैफ़ा, मैं कौन हूं और क्या आप इमाम है? तो हुज़ैफ़ा मेरी बात मानोगे? हुज़ैफ़ा ने कहा मौला इरशाद, तो हुज़ैफ़ा अली के हक की कसम वापस जाओ, अली के हक की कसम हुज़ैफ़ा वापिस जाओ। हुज़ैफ़ा बयान करते हैं कि मेरा बंद बंद कांपने लगा मगर मैं मजबूर था, हम सब अपने घरों को चले गए, मैंने इबादत में कुछ वक्त बसर किया, मेरी आंख लग गई, अभी मैं सो रहा था कि मेरी बीवी ने मुझे झिझोड़ा कि हुज़ैफ़ा खाक पड़े तुम्हारी नींद पर, अरे मस्जिद कूफा से कोई पुकार रहा है, अला अला कद कुतला अली। हमारे हवाए दीन दुनिया की बरला मिल्लत को मुत्तहिद कर, मम्लिकत को मुस्तहकम फरमा, तौदील।